अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तालीम फॉर ऑल। आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.18 जो है उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। 1.18 एक्सरसाइज है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स। फॉलोइंग जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर रूट्स जो हैं उनको हमने निकालना है, सॉर्ट आउट करना है। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन जो है उसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं। अब वन क्वेश्चन में हमें बिल्कुल नहीं दिया गया हो कि हमने जो है वो इसको नेचुरल नंबर्स को जो स्क्वायर रूट निकालने हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए निकालने हैं या डिवीजन मेथड के तहत। तो चलिए इनको डिवीजन मेथड के ज़रिए नहीं बल्कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए सॉर्ट आउट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है 49। तो चलिए 49 की फैक्टराइजेशन जो है उसको कर लेते हैं। 49 की फैक्टराइजेशन 7 7s are 49 और 7 1s are 7। तो 49 की जो फैक्टराइजेशन है वो आ गई है हमारे पास। अब क्योंकि हमें स्क्वायर रूट जो है उसकी जो कीमत है वो है 1/2, ये हमने बिल्कुल जहन में रखनी है, इसको याद रखना है। इसको याद रखेंगे तभी आगे जो है क्वेश्चन सॉल्व आउट होंगे। तो क्या करेंगे हम, 7 multiply by 7 इसके ऊपर जो है स्क्वायर रूट आ जाएगा। अच्छा, अब इसको नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इसको करेंगे 7 power 2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों को अगर जमा कर लें तो 7 की पावर 2 हो जाएगी। अब नेक्स्ट इसमें क्या करना है, अगर इसकी जो कीमत है हमें पता है 1/2 है, तो हम क्या करेंगे 7 की पावर 2 multiply by 1/2। तो ये दो इस दो से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। 49 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 7 आ गया। तो ये था हमारे पास पहला पार्ट। इसके बाद हमारा जो है दूसरा पार्ट उसको सॉर्ट आउट करते हैं। दूसरे पार्ट जो है हमारे पास 100 है। तो चलिए आइए 100 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 100 divided by 2 50 आ जाएगा, फिर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। अब देखें तो ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 5s are 25 और फिर 5 1s are 5। अच्छा, अब क्या है, अब इसके स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट में हम इसको लिखते हैं 2 multiply by 2 multiply by 5 multiply by 5 कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद 2 की पावर 2, क्योंकि ये दो इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे यानी कि इनके जोड़े बना लेंगे, और 5 की पावर 2 और ऊपर स्क्वायर रूट। अब इसकी पावर का तो आपको पता है 1/2 है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 2 multiply by 1/2, 5 की पावर 2 multiply by 1/2। तो ये दो दो से कैंसिल हो जाएगा और ये दो दो से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 को हम multiply कर देंगे 5 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। तो हम कहेंगे 100 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 10 है, और ये हमारा आंसर है। ये तो पार्ट 2। इसके बाद है पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास है 144। तो चलिए आइए इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 144 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 72 आ जाएगा। उसके बाद फिर इसको हमने नेक्स्ट फिर हम 2 पे ही डिवाइड करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब 36 फिर देखें तो 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो 2 पे ही डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा। अब 18 फिर डिवाइड हो रहा 2 पे, तो 9 आ जाएगा। अब 9 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। तो अब इसके स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 2 multiply by 2 multiply by 2 1 2 3 4, तो ये 4 हैं 2, ठीक है। उसके बाद multiply by 3 multiply by 3। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम इनके जोड़े बना लेते हैं 1 2 और 3। 2 powers 2 multiply by 2s power 2 multiply by 3s power 3 2, क्योंकि ये भी 2 हैं तो इसलिए। अच्छा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट की पावर 1/2 है, तो क्या करेंगे 2
मल्टीप्लाई बाय टू और डिवाइडेड बाय फिर टू पावर टू मल्टीप्लाई बाय वन ओवर टू और फिर थ्री पावर टू मल्टीप्लाई बाय वन ओवर टू। क्योंकि ये हमने ऊपर से स्क्वायर रूट ख़त्म किया इसलिए वन ओवर टू आया। अब क्या होगा, अब इनको कैंसिल कर देंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास पीछे जो बच गया वो टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री, तो टू टू ज़ा फोर, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, तो हमारे पास ट्वेल्व आ गया। तो अब हम कहेंगे 144 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 12 है। तो ये इसका आंसर है, ये था पार्ट थ्री। इसके बाद है हमारे पास पार्ट फोर। पार्ट फोर है हमारे पास 196। तो 196 का भी सेम हमने फैक्टराइजेशन ही करनी है। तो चलिए ये फैक्टराइजेशन करते हैं। 196 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा तो 98 आ जाएगा। 98 को फिर हम 2 से ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 49 आ जाएगा। और अब क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है 2 से ना 3 से 4 से 5 से किसी से, तो फिर हम डिवाइड कर देंगे 7 से। 7 से 49, 7 से 7, तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट में आ जाएगा वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 2's पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7's पावर 2। तो अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा 2's पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 और फिर आ जाएगा 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2। ये दो दो से कैंसिल हो जाएगा, दो दो से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये 14 आ गया। तो आंसर हमारे पास है 196 का जो स्क्वायर रूट है वो 14 है। तो ये हमारा आंसर है, ये था पार्ट फोर। इसके बाद पार्ट फाइव की तरफ चलते हैं। पार्ट फाइव जो है हमारे पास वो है 3, 2, 4, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो चलिए इसकी फैक्टराइजेशन जो है उसको करते हैं। 3, 2, 4, अब डिवाइडेड बाई सबसे पहले 2 से करते हैं, तो 2 पे ये डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास आ जाएगा 162। फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है तो हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 81। अब 81 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर किस पे डिवाइड होगा, 3 पे डिवाइड करते हैं। 3, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी हो जाएगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है जी। अब 27 है तो 27 को फिर 3 पे तो 9 आ जाएगा, 9, 3 ज़ा 27, इसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, 3 ज़ा 9 और 3, 1 ज़ा 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाए, ठीक है जी। अच्छा अब क्या करते हैं हम, अब इनके जोड़े बना लेते हैं, उनकी पावर हम 2 कर देंगे। 2's पावर 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3's पावर 2 और फिर मल्टीप्लाई बाय 3's पावर 2 आ जाएगा। अच्छा अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं, तो 2's पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2 3's पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2 और 3's पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2। ये दो दो से कैंसिल, दो दो से कैंसिल, दो दो से कैंसिल हो गया जी। अब हमारे पास बच गया पीछे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इनको आपस में काउंट कर लेते हैं, 2, 2 ज़ा 4, 4, 3 ज़ा 6, 6, 3 ज़ा 18 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारा 3, 2, 4 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 18 आ गया। ये हमारा आंसर है फिफ्थ पार्ट का। इसके बाद हमारे पास सिक्स पार्ट है, सिक्स पार्ट की तरफ चलते हैं। सिक्स पार्ट है हमारे पास 7, 8, 4। तो सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। 7, 8, 4, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 पे 3 आ जाएगा, 3, 2 ज़ा 6, 1 कैरी हो जाएगा, 9 आ जाएगा और 2, 2 ज़ा 4 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2, 1 ज़ा 2, 1 कैरी हो जाएगा, 9, 2 ज़ा 18 और 6, 2 ज़ा 12 आ जाएगा। उसके बाद फिर हम 2 पे ही डिवाइड करेंगे तो 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 98। अब 98 पे फिर 2 को डिवाइड करेंगे
टू पे डिवाइड करें तो हमारे पास टू फोर एट आ जाएगा, वन कैरी हो जाएगा तो नाइन आ जाएगा। अब नाइन डिवाइडेड बाई सिंपल है सेवन, सेवन फोर्टी नाइन, सेवन वन सेवन, तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई है। अभी इसको वापस हम जैसे पहले क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे करें, इनको स्क्वायर रूट में लिखते हैं। एक दो तीन चार, टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई सेवन मल्टीप्लाई बाई सेवन, ठीक है जी। अच्छा इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, इनको जोड़ों में कन्वर्ट करना है। टूज़ पावर टू मल्टीप्लाई बाई टूज पावर टू मल्टीप्लाई बाई सेवन पावर टू। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देना, सेम जो सिंपल सब में कर रहे हैं। टूज पावर टू मल्टीप्लाई बाई वन ओवर टू, फिर टूज पावर टू वन ओवर टू, सेवन पावर टू वन ओवर टू। अब ये दो इस दो से कैंसिल, ये दो इस दो से कैंसिल, ये दो इस दो से कैंसिल, तो हमारे पास बच गया पीछे टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई सेवन। टू टू ज़ा फोर और फोर सेवन ज़ा ट्वेंटी एट, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सेवन एटी फोर का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाता है ट्वेंटी एट, तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सॉरी सेवन की तरफ चलते हैं। ये है हमारे पास फाइव टू नाइन, फाइव टू नाइन जो है हमारे पास आ गया, इसको अब हमने सॉर्ट आउट करना। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, फाइव टू नाइन इस पर दो भी तकसीम नहीं हो रहा, तीन भी नहीं हो रहा, चार भी नहीं हो रहा। अब मैक्सिमम जैसे जैसे नहीं हो रहे होंगे तो उनको आगे की तरफ लेते जाएंगे, तो ये जाके 23 जो है वो इस पर डिवाइड होता है। 23 डिवाइडेड अगर इस पर फैक्टराइजेशन करें तो 23 आ जाता है, और फिर 23 वन ज़ा 23 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट में, 23 मल्टीप्लाई बाय 23, तो फिर हम क्या करेंगे 23 पावर 2 आ जाएगी। अब इसको ख़त्म करेंगे, दोबारा इसको कर देते हैं, पावर 2 आ जाएगा। अब हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो उसकी जो कीमत है वो आ जाएगी 1 ओवर 2। ये दो दो से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 23 जो है वो रह जाएगा, ठीक है जी। अब हम कह सकते हैं 5 टू 9 का स्क्वायर रूट जो है हमारे पास वो 23 है। इसके बाद है हमारे पास इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट, तो वो है 676। तो चलिए आइए इसको डिवाइड करते हैं 676 को। सिक्स सेवन सिक्स, टू पे डिवाइड करेंगे, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू थ्री ज़ा सिक्स कैरी हो जाएगा, और एट टू ज़ा सिक्सटीन आ जाएगा। इसके बाद फिर टू पे डिवाइड करेंगे, टू वन ज़ा टू फिर कैरी हो जाएगा आगे, सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व कैरी हो जाएगा और नाइन आ जाएगा, वन सिक्स नाइन। अब इसको नेक्स्ट फिर हम 13 पे डिवाइड करेंगे, उससे पहले ये डिवाइड नहीं होगा, नेक्स्ट हम गौसे सुने 13 पे, तो 13 वन ज़ा 13 स्क्वायर रूट ले लेंगे। टूज पावर टू, अब नेक्स्ट राउंड में इसको पावर में ले जाएंगे, टूज पावर टू और फिर 13 पावर टू आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अब इसका वो स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं, तो टूज पावर टू मल्टीप्लाई बाय वन ओवर टू और फिर 13 टूज पावर वन ओवर टू, ये दो दो से कैंसिल हो जाएगा, दो दो से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 13 तो इज इक्वल टू 26 आ जाएगा। अब हम कह सकते हैं 676 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 26 है, और ये हमारा आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर टू है, टू है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए जैसे हम पहले कर रहे हैं वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए हमने इसको सॉर्ट आउट जो है करना है। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर दो को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर दो इसका पार्ट वन जो है उसको हमने सॉर्ट आउट करना।
चलिए इसको सॉर्ट आउट करें। पहली जो रकम है वो हमारे पास 900, तो 900 की फैक्टराइजेशन जो है वो कर लेते हैं हम। 900 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो हमारे पास 450 आ जाएगा, सिंपल। फिर हमने इसको फिर 2 पे ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 225 आ जाएगा, 225। अच्छा, फिर इसको हमने 3 पे डिवाइड करना, तो 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75। अब 75 जो है इसको फिर हमने 3 पे ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। 5 5 5 5 1 1 2 1 2 1 2, तो यानी कि हर किसी के एक एक जोड़ा बनेगा। 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, 2 × 2 × 3 × 5 × 2 आ जाएगा। अब इसको ख़त्म करेंगे तो हमारे तो इसकी कीमत क्या है, हमारे पास 1/2 है, तो क्या करेंगे, 2 × 2 1/2, हर किसी के साथ अलहदा अलहदा जो है हम इसको करेंगे, और 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो पीछे आंसर आएगा वो 2 × 3 × 5, 2 × 3 = 6 6 × 5 = 30। तो हम कहेंगे 900 का जो स्क्वायर रूट है हमारे पास वो 30 है, तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद पार्ट टू की तरफ चलते हैं। पार्ट टू हमारे पास है 2500, तो चलिए आइए 2500 को सॉर्ट आउट करते हैं। टू पे डिवाइड करेंगे तो 2 × 1 = 5 है, तो उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा, क्योंकि 5 और 50 है तो इसके बाद हमने इसको 50 पे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 25 और 0 वैसे का वैसे आ जाएगा। इसके बाद अगर ऐसे करना है ऐसे कर लें, अगर 2 × 2 = 4 आ जाएगा, 1 आगे कैरी हो जाए तो 5 × 2 = 10 वो भी हो सकता है, तो 2 आ जाएगा। 2 के बाद इसको 625 आ जाएगा, 625 के बाद अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा तो हम इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो 125 आ जाएगा, 5 पे फिर डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 पे फिर 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और फिर 5 पे, तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 1 2 1 2 1 2, ठीक है जी। टू मल्टीप्लाई बाई फाइव। तो हम करेंगे 2 × 2 × 5 × 2 × 5 = 2। अब इसको स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो 2 × 2 1/2 5 × 2 1/2 5 × 2 1/2 डिवाइड हो जाएंगे 2 × 5 × 5, 2 × 5 = 10, 10 × 5 = 50। हम कहेंगे 2500 का जो स्क्वायर रूट है 2500 का वो है 50, तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद पार्ट नंबर 3 की तरफ जो है हम चलते हैं। पार्ट नंबर 3 जो है हमारे पास वो है 1849 जो है हमारे पास ये है, तो चले इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर कोई भी पहले शुरू भी नंबरों पे डिवाइड नहीं हो रहा तो उस पर परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, उसको नेक्स्ट आगे कैरी करते जाना। तो ये जो कैरी करेंगे ये पहले किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये डायरेक्ट जाके 43 पे डिवाइड हो रहा, तो 43 पर जब 43 को 43 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास 1849 आ जाएगा, तो यहाँ पे 43 × 1 = 43, तो क्या करेंगे 43 × 43 आ जाएगा, 43
और ये अगर इसको हमने स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 43 पावर्स 2 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 2। ये दो दो से कैंसिल, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो 1849 का जो स्क्वायर है वो 43 है। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद इसका पार्ट 4 है, पार्ट 4 को हल करते हैं, तो वो है हमारे पास 1444। तो चलिए ये इसको सॉल्व करते हैं। 1 4 4 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 2 2 4 और 2 2 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 1 कैरी, 6 2 12 आ जाएगा और 2 1 2 आ जाएगा। अब 361 जो है, 361 को डिवाइड करेंगे हम जाके फिर 19 पे, तो 19 मल्टीप्लाई बाई 19 इज इक्वल टू 366। 19 1 19 1 2 × 2 × 19 × 19 आ जाएगा। ठीक है जी, 2's power 2 × 19's power 2 आ जाएगा। अब स्केयर को ख़त्म करेंगे तो स्केयर को ख़त्म करने गए तो हमारे पास 2 × 19 power 2 × 1/2 और इसकी भी power 2 × 1/2 divided। तो हमारे पास 2 × 19 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 38। तो अब हम कह सकते हैं कि 1444 का जो स्क्वायर रूट है वो है 38 और ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो इसमें उन्होंने दो फैक्ट दिए हुए हैं, 49 और अंडर जो है 144 दिए हुए। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग-अलग इनकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले 49 की करते हैं। 49 की तो हमें पता है 7, क्योंकि पहले हमने दो तीन क्वेश्चन में ऐसे देख लिया 7 7 49 और 7 1 7। अब हमारे पास आ गया 144। तो 2 पे सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 72 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 36 आ जाएगा, और फिर उसके बाद फिर हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 के ऊपर फिर हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 पे 3 3 और 3 1 आ जाएगा। 1 2 3 4 1 2। ठीक है जी, तो पहले इनको लिख लेते हैं, 7 × 7 और अंडर जो है 2 × 2 × 2 × 3 × 3 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है फिर 7's power 2 divided by 2's power 2 × 2's power 2 और फिर 3's power 2 आ जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर रूट को हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। तो जैसे ही ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7's 1/2 और जो अंडर है वो आ जाएगा 2's power 2 divided by 1/2 2's power 2 1/2 2 1/2 कैंसिल और ये कैंसिल इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये इसके साथ भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ऊपर जो आ जाएगा वो 7 आ गया और अंडर जो आ जाएगा वो 2 2 4 4 3 12 आ जाएगा। तो ये हमारा स्क्वायर रूट है 49/144 का। तो ये था पार्ट 5। इसी तरीके से जो है पार्ट 6 को भी हम ऐसे ही सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए आइए पार्ट 6 को सॉर्ट आउट करते हैं। पार्ट 6 है हमारे पास, 64 × 225। चलिए आइए सबसे पहले 64 को करते हैं, फैक्टराइज जो 2 आ जाएगा 32 और फिर उसके बाद फिर 2 से ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो
16 आ जाएगा, फिर 2 से 8 आ जाएगा, फिर 2 से 4 आ जाएगा, फिर 2 से 2 आ जाएगा और 2 वन ज़ा 2 आ जाएगा। चलें इसको पहले, ये तो हो गया हमारा 64 का, अब हम 225 का कर देते हैं। थ्री से होगा 75 आ जाएगा, उसके बाद फिर 3 से 25 आ जाएगा, 5 से और 5 वन ज़ा 5। तो अब देखें हमारे पास 64 के हो गए हैं 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर, अगर हम इसको डायरेक्ट भी लिखना चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2's power 2, ये एक, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 2's power 2, ये कर देंगे और फिर इसके बाद इसको 2's power 2 कर देंगे और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। और फिर अंडर जो है ये आ जाएगा 3's power 2 और मल्टीप्लाई बाय 5's power 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट अगर ख़त्म करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो है 2's power 2 1 over 2 2's power 2 1 over 2 2's power 2 और 1 over 2, अंडर आ जाएगा 3 over 2 1 over 2 5 over 2 1 over 2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस में 2 2 से कैंसिल होते जाएंगे। तो वो हमारे पास जो रकम बच गई है उसको देखते हैं, वो है हमारे पास 2 multiply by 2 multiply by 2, अंडर आ जाएगा 3 multiply by 5, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 आ गया हमारे पास और 5 3 ज़ा 15। तो ये हमारे पास है स्क्वायर रूट किस चीज़ का, 64 अंडर 225 का। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, पार्ट नंबर 7 जो है उसको हल करते हैं। पार्ट नंबर 7 जो है हमारे पास डेसिमल में है, पॉइंट्स में है, तो आइए उसको सॉल्व करते हैं। 7 2 9 जो है इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। तो पॉइंट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, जो पॉइंट है पॉइंट को ख़त्म करेंगे, वहाँ पे 1 होगा, उससे आगे जितने भी हैं उनके साथ 0 आ जाएगा। तो अभी इसको भी हमने वैसे ही सॉर्ट आउट करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन जो है दो किए, क्योंकि दोनों को लहदा लहदा हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले 7 2 9 की फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये 3 से डिवाइड होगा, 243 आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 81 आ जाएगा, उसके बाद फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 27, फिर 3 से तो 9, फिर 3 से तो 3 और फिर 3 1 3 आ जाएगा। ये तो आ गया हमारे पास एक। अच्छा अब हमने 100 की जो है वो करनी है, 250 आ जाएगा, 225 आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो अब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 sorry 3 है ये 3 multiply by 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6, अंडर जो है वो 2 multiply by 2 multiply by 5 multiply by 5 आ जाएगा, ठीक है, वो एक मिस्टेक होगी। तो अब हम क्या करेंगे, 3's power 2 multiply by 3's power 2 multiply by 3's power 2, अंडर 2's power 2 multiply by 5's power 2, ऊपर क्या आ जाएगा इसके स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर रूट को हमने ख़त्म करना है, तो स्क्वायर रूट की जो है पावर उसको साथ लिखते जाएंगे,
ये कैंसिल हो जाएंगे जी सारे। तो 3 3 9 9 3 27 आ जाएगा हमारे पास, और 5 2 10 आ जाएगा। ठीक है, 27/10 ये हमारे पास आ गया। इनको मल्टीप्लीकेशन 3 3 9 9 3 27 और 5 2 10 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 27/10 आ गया, क्योंकि हमने अब क्वेश्चन जो है हमारा वो डेसिमल में है, 7.29 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो जैसे हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 2.7 आ जाएगा, 2.7। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो 7.29 का जो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट, वो आ जाएगा 2.7। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर टू का लास्ट पार्ट को जो है उसको राइट डाउन करते हैं। वो है हमारे पास 6.76। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके जो डेसिमल है उसको ख़त्म करेंगे। तो जैसे पॉइंट ख़त्म करेंगे तो हमें साथ अंडर पॉइंट की जगह 1 लगाएंगे और आगे जितने भी डिजिट हैं उतने 0 लगा देंगे। तो सबसे पहले जो है हम 7676 को करते हैं डिवाइड, 2 पे डिवाइड करेंगे। तो 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 2 6, 3 2 6, 1 कैरी हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 2 16। उसके बाद फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 और 9 2 18। इसके बाद फिर जो है हम इसको 13 पे डिवाइड करेंगे, 13 3 169 और 13 1 13। इसके बाद 100 है, 100 को हमने पहले भी किया और ये आसान फैक्टराइजेशन है इसकी। 2 पे डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा, 5 पे डिवाइड करेंगे तो 25 को तो 5 आ जाएगा, और फिर 5 1 5 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए अब इसको स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं। 2 × 2 × 13 × 13 आ जाएगा, अंडर हमारे पास जो है 2 × 2 × 5 × 5 आ गया। अच्छा, अब 2 × 2 × 13 × 2 × 2 × 5 × 2। ठीक है जी, अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं। तो 2 × 2 × 1/2 और फिर 13 2 1/2 अंडर 2 1/2 5 1/2। अब डिवाइड कर देंगे इनको तो 13 2 26 आ जाएगा हमारे पास, और अंडर 5 2 10 आ गए। तो अब हम आए, क्योंकि हमने उसको पॉइंट्स में लेके ना तो डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 2.6 आ जाएगा। तो हम कहेंगे 6.76 का जो स्क्वायर रूट है हमारे पास वो 2.6 है। तो ये हमारा आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.18 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लास्ट है उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के जरिए, ये थोड़ा यूनिक है तो इसको अब हम सॉर्ट आउट करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हमारे पास है 576 जो है, ये हमारे पास पहला पार्ट है। अब इसमें एक चीज़ ज़हन में रखें कि 576 जो है ना, इसके जो हम जोड़े बनाएंगे वो हम राइट टू लेफ़्ट बनाएंगे, लेफ़्ट से राइट नहीं बनाएंगे, राइट टू लेफ़्ट बनाएंगे। तो ये एक जोड़ा बन गया और ये अकेला रह गया। ये बात ज़हन में रखनी है, हमेशा राइट से लेफ़्ट की तरफ चलना। तो चलिए आइए इसको डिवाइड जो मेथड, डिवीजन मेथड, उसके ज़रिए हल करते हैं। तो 576 है। अब ये भी ज़हन में रखें कि जितना आप डिवाइड कर रहे हैं, जो नंबर आप डिवाइड इंटीजर्स कर रहे हैं उसके साथ ही उसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम सबसे पहले देखें, 3 3 6 हो जाता तो 3 3 9 हो जाता, तो नहीं कर सकते। तो 2 2 4 होगा, तो 2
टू ज़ा फोर, तो यहाँ पे फोर आ जाएगा, वन कैरी होगा और ये पूरा जोड़े जो है जोड़े का जोड़ा नीचे आएगा। अब इसमें एक और मज़े की बात है, जिससे आपने डिवाइड किया है ना उसमें उतनी ही रकम को ऐड कर देंगे, उतनी ही रकम को ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास फोर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने किसके साथ डिवाइड करना है कि ये हमारा कंप्लीट हो जाए। तो नेक्स्ट इसको हम अगर फोर के साथ ही डिवाइड करें, 44 से अगर यहाँ पे फोर लिखना है तो ऊपर भी हमें टू के साथ फोर लिखना पड़ेगा। तो 44 मल्टीप्लाई बाय 44 फोर करें तो हमारे पास 44 मल्टीप्लाई बाय फोर करें तो हमारे पास आ जाता है 176। तो हम लिखेंगे फाइव 76 का जो स्क्वायर रूट है हमारे पास वो 24 है। ये जो हमारे पास 24 है ना, ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट कर रहे हैं, सेकंड पार्ट है हमारे पास 2304 आ गया। ठीक हो गया जी। अच्छा चलिए अब इसको भी इसके जोड़े बना लेते हैं। तो जोड़े हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे। ट्वेंटी थ्री ज़ीरो फोर। अब देखें, अब इसको हमने पूरे जोड़े के ऊपर ही डिवाइड करना, पूरे जोड़े के ऊपर ही डिवाइड करना है। तो क्या किससे करते हैं, फाइव फाइव ज़ा 25 तो वो बढ़ गया, तो फोर से डिवाइड करेंगे, फोर फोर ज़ा 16 आ जाएगा, फोर फोर ज़ा 16। अब यहाँ से माइनस 23 में से 16 अगर करें तो हमारे पास 7 आ जाएगा और ये जोड़ा पूरे का पूरा ही नीचे आएगा। तो अब एक और चीज़, फोर में हमने उतना ही ऐड करके उसको नीचे राइट डाउन करना, तो एट आ गया हमारे पास। अब एट के साथ एट एक और मिला लेते हैं। अब 88 को मल्टीप्लिकेशन जो है हम एट के साथ ही करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 704 ही आएगा। तो एट ऊपर राइट डाउन करेंगे तो अब हम इधर लिखेंगे 2304 का जो स्क्वायर रूट है हमारे पास वो 48 है। ये क्वेश्चन लेंथ में कम है, थोड़े से डिफ़िकल्ट उस वक्त हो जाएगा जब आपको दूसरा फाइंड करना पड़ेगा, दूसरा इंटीजर डिवाइड के लिए जब नेक्स्ट रो में आप आ जाते हैं। इसके बाद जो हमारे पास तीसरा पार्ट है हमारे पास 1521। तो चलिए आइए इसको भी, इसके भी जोड़े बना लेते हैं। तो जोड़े राइट से लेफ्ट की तरफ, तो 1521। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब 15 पे कौन सा ऐसा इंटीजर है जो कंप्लीट आ सकता है। तो 33 ज़ा 9 है, 44 ज़ा 16 है, तो क्या करेंगे 33 ज़ा 9 कर देते हैं क्योंकि वो नेक्स्ट आगे चला जाता है। 6 पूरे का पूरा जोड़ा नीचे आएगा, 3 के साथ प्लस 3 लाजमी करेंगे, 6 आ गया। अब ऐसा डिजिट ढूंढना है जो डिजिट इसके ऊपर डिवाइड कर सके हम। 69 को अब मल्टीप्लिकेशन भी हम 9 के साथ ही करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 621, तो ये 0 आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे 1521 का जो स्क्वायर रूट है हमारे पास वो आ गया 39। अच्छा इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है वो है 4 पॉइंट लिख लेते हैं, वो है हमारे पास 0.0441 आ गया। अब इसमें एक चीज़ नोट कर लें कि डेसिमल जब आएगा तो ये तो राइट से लेफ्ट जाएगा, लेकिन ये जोड़े जो हैं ये लेफ्ट से हमेशा राइट की तरफ ही जाएंगे। तो चलिए आइए इसको डिवीजन मेथड के तहत करते हैं। तो हमारे पास 0.0441 आ गया। ठीक है जी, अब ज़ीरो पे ज़ीरो ही डिवाइड होता है। ठीक है जी, अब हमारे पास नेक्स्ट जो आ गया वो आ गया 0.04, ये जोड़ा उतरेगा, फिर उसके बाद ये जोड़ा उतरेगा ये इस तरफ। तो ज़ीरो वैसे के वैसे, तो टू सा डिवाइड करेंगे तो पॉइंट इधर करके हम क्या करेंगे टू, तो टू टू ज़ा 4 ऐसी है जी। तो ये हमारे पास 0.4 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास 41 जो है वो नीचे आ जाएगा क्योंकि ये तो 0 हो गया और ये भी 0 हो गया हमारे पास। अब 41, अब हमने क्या करना है 0.02 के अंदर अब हमने प्लस कर देना है 2 के अंदर
टू को ही, जो हम पहले करते आ रहे हैं। तो ये हमारे पास फोर आ गया, साथ हम वन कैरी करेंगे क्योंकि यहाँ 41 है, तो यहाँ पे वन लिखेंगे तो ये हमारे पास 41 आ जाएगा, तो ज़ीरो आ गया। तो अब हम कह सकते हैं 0.0441 का जो स्क्वायर रूट हमारे पास है वो है 0.21। तो ये था हमारे पास चौथा पार्ट। इसके बाद हम पांचवें पार्ट की तरफ चलते हैं। पांचवा पार्ट हमारे पास क्या है? फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 256/1089। तो सबसे पहले 256 घबराना नहीं है, 256 को हम डिवाइड करते हैं। तो 2 2 4 हो जाता है, इसलिए 1 × 1 कर देंगे। 1 आ गया, जोड़ा पूरे का पूरा नीचे उतरेगा। 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। और नेक्स्ट हमने ऐसा डिजिट ढूंढना जो 156 पे डिवाइड हो, तो 6 करें तो इधर भी 6 करेंगे तो 156 आ जाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा। तो 256 का तो हमारे पास 16 आ गया। ठीक है जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है 10 8 9। तो क्या आ जाएगा? 2 2 4 आ गया, 3 3 9 आ जाएगा, 3 3 9 पूरे जोड़े पे जो डिवाइड करना था। अब 1 यहाँ से कैरी हुआ, 8 9 यहाँ से कैरी हुआ, 3 में 3 प्लस करेंगे तो 6 आ गया। अब नेक्स्ट एक ऐसा डिजिट फाइंड करना है जो इन पे पूरा पूरा उतरे, तो 3, तो 3 इधर है, 63 × 3 करेंगे तो हमारे पास 189 आ जाएगा, तो हमारा अंडर आ जाएगा 33। तो अब हम कह सकते हैं 256 का स्क्वायर रूट जो है हमारे पास वो है 16/33। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अच्छा, इसके बाद हमारा सिक्स पार्ट है। सिक्स पार्ट को सॉर्ट आउट करते हैं, वो है 81/289। अब सबसे पहले 81 को कर लेते हैं। एटी वन पे अब कौन सा डिवाइड हो जाता है, क्योंकि ये पूरे का पूरा जोड़ा है, पूरा जोड़ा, तो 9 9 81 आ गया, ये 0 आ गया। इसका तो इजी था, ये हमने ऊपर 9 जो है इसके सामने ही राइट डाउन कर देते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है 289। अब ये एक इल है और ये जोड़ा है, तो सबसे पहले 1 × 1 कर देंगे तो इधर 1 आ गया, 1 कैरी हो जाएगा। अब 89 ऊपर से आ जाएगा, 1 + 1 लाजमी करेंगे तो 2 आ गया। अब कोई भी ऐसा डिजिट ढूंढना है जिसके साथ हमने इसको मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करें तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाए। तो 7 के साथ अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें, 27 × 7 = 189 आ जाएगा, तो ये जी। तो हमने इसको क्या कर देना है, 27 कर देना। तो हम लिख सकते हैं 81/289, स्क्वायर रूट जो है हमारे पास 9/27 है, तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद हमारे पास पार्ट 7 जो है उसको है हल करते हैं, तो वो है हमारे पास 676/841। 676/841, तो चलिए आइए 676 जोड़ा देख लें, एक जोड़ा और ये लैदा है, तो क्या करेंगे, 2 2 4 है नहीं, 3 3 9 हो जाएगा, तो हम इसको 2 से ही डिवाइड करेंगे, तो 2 2 4 2 आ गया। ये जोड़े का जोड़ा पूरा उतरेगा क्योंकि हमने अब इसको पूरे को हल करना है, तो इसमें 2 में प्लस कर देंगे 4 आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक ऐसा डिजिट इंक्लूड करें जो 276 पे जाए। अब 49 को मल्टीप्लाई बाय 9 करें तो हमारे पास 276 आ जाता है, तो हम लिखेंगे 676 का तो 229 लिख देंगे अंडर 841। अब
एट पे कौन सा डिजिट जाता है, तो कोई डिजिट नहीं जाता, थ्री थ्री ज़ा नाइन हो जाता है, तो टू टू ज़ा फोर, फोर कैरी हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा, चार आ जाएगा, इसमें जमा दो लाजमी करेंगे, अब 41 वैसे आ जाएगा। अब ऐसा कौन सा डिजिट है जिसके साथ इसको मल्टीप्लिकेशन करें, हमारे पास 441 आए, तो 9 के साथ ही हम इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इधर भी 9 लिखेंगे तो ये 441 हो जाएगा। तो ये 441, इसको हम दोबारा से देखते हैं, ये क्वेश्चन हम दोबारा ही देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास डिवीजन जो है वो गलत हो गई है, तो उसके लिए एक्सक्यूज, इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। तो 676 को हम डिवाइड करते हैं, टू टू ज़ा फोर, टू कैरी, 76 नीचे आ जाएगा, प्लस टू करेंगे फोर आ जाएगा, अब इसमें 6 मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे 6 आएगा तो ये 276 आ जाएगा, तो हम लिख देंगे 26। अब इसके साथ जो है दूसरे 841 है, टू टू ज़ा फोर, 441 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे 9 जो है वो हम उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हमारे पास 49 जो है वो आ जाएगा, यहाँ पे 49 आ जाएगा और यहाँ पे 29 आ जाएगा, तो 26 ओवर अंडर 29, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो 676 अंडर 841 का जो स्क्वायर रूट है हमारे पास वो आ गया है 26 ओवर 29। इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉर्ट आउट करते हैं, 26 तो इसका डिवीजन मेथड के तहत निकालते हैं जी, 26.01। अब ये भी जोड़ा है इस तरफ आएगा और ये जोड़ा है इस तरफ आएगा, ठीक है जी, तो 5 5 26, 1 कैरी, अब ये पॉइंट जो है इसकी जगह पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये 01 नीचे आ जाएगा, अब 5 2 5 में 5 तो प्लस करना है तो इसलिए 10 आ गया, साथ ही एक बच गया तो यहाँ पे 1 लगा देंगे और यहाँ पे 1, तो 101 आ जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ गया 5.1। अब हम कह सकते हैं 26.01 का स्क्वायर रूट जो है हमारे पास वो है 5.1। तो ये थी हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज 1.18, इसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.19 लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सो काइंडली जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले आपको नई आने वाली वीडियो मिल सके, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।